दिल्ली एनसीआर भले ही पोलियो उन्मूलन के करीब हो, लेकिन यहाँ कुष्ठ जैसी खतरनाक बीमारी की चपेट में आज भी कई लोग हैं। एक सवाल के जवाब में स्वास्थ्य परिवार और कल्याण मंत्रालय ने राज्यसभा को बताया कि दिल्ली एनसीआर में ये बीमारी पूरी तरह खत्म हो गई है। मंत्रालय के मुताबिक देश के दूसरे हिस्सों में भी कुष्ठ उन्मूलन का लक्ष्य है। Our target for the 12th five-year plan now is that it should not only be achieved in the macro picture, every district of the country should also achieve it. Leprosy is one of the disease control programs. The states are being told, requested to come up with their plans which they have given. The support is being increased, monitoring is becoming better. राज्यसभा में पेश रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लगभग सभी इलाकों में कुष्ठ रोग व्याप्तता दर 1% से नीचे है। प्रति 10,000 में एक व्यक्ति के इस बीमारी से पीड़ित होने पर कुष्ठ रोग से मुक्त होना माना जाता है। The extent of the disease burden has definitely come down, but is nowhere near the statistics that we claim about, because you should understand what is prevalence and what is elimination. So prevalence rate is a proportion of people affected by leprosy for 10,000 persons. So by that standard, Delhi, it is less than one. सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से कुष्ठ रोग खत्म होने का दावा कर रही है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि पीड़ित लोगों के साथ भेदभाव के चलते ये दावा बेमानी है। अगर वो कुछ करते भी है तो आसपास के लोग उनका कुछ लेते नहीं है, पसंद नहीं करते। जैसे कुछ अगर वो अपना सेल्फ अगर अपना एम्प्लॉयमेंट अगर करना चाहते हैं और कुछ करके भी दिए हम लोगों ने, तो लोग देखा है कि उनकी इनकम अदर से कम ही हो। आई थिंक वी नीड मच मोर सेंसिटाइजेशन ऑफ द पीपल फॉर द डिसीज, नॉट टू एक्सक्लूड पीपल हु आर अफेक्टेड बाय लेप्रोसी, बिकॉज दे हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। लाइक यू एंड आई गेट एनी डिसीज, दे ऑल्सो गॉट अ डिसीज, इट्स अ सिंपल बैक्टीरिया। कुष्ठ उन्मूलन की दिशा में अभी तक के नतीजे बेहतर रहे हैं, लेकिन अब भी काफी कुछ किया जाना बाकी है, जिससे कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों के खिलाफ हो रहे भेदभाव को खत्म किया जा सके। अंशु जय सिंह, राज्यसभा टीवी।